हाथ से खाया जाए? हाथ से खाते हैं, मैंने बहुत दिन से नहीं खाया। आपको पता है विंटर का मौसम है, गर्मा गर्म आपको बंगाली खाना मिल जाए, वाह। Guys, look at this prawn curry, man. How beautiful is it, huh? Just press a normal number. एक नंबर पता क्या कटेगा? 3, 2, 1. करो करो. Yo yo yo, what's up, people? I hope everyone's doing great. My name is Shaurav and स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर. 15-20 व्लॉग पहले ना मैं यहाँ पे आया था, इस जगह का नाम है बंगाली फिश फ्राई। अगर आपने देखा हो उस टाइम पे क्या था, मैंने यहाँ पे चिकन वगैरह बहुत कुछ खाया था, फिश वगैरह बहुत खाया था, बट उस टाइम पे ना मटन भी अवेलेबल नहीं था और प्रॉन भी नहीं था। और आपको पता है जो हमारे बंगाली भाई हैं उनको प्रॉन और मटन से कितना प्यार है, एंड ऑल्सो फिश ऑब्वियसली। सो आज इनका मुझे फ़ोन आया था दोपहर को कि ना हमने प्रॉन वगैरह मंगा लिए हैं, मटन वगैरह भी है, आप आके ट्राई कीजिए। तो मैं यहाँ पे आ जाया हूँ। मटन कोशा का नाम सुना है ना? मटन कोशा, प्रॉन करी, कुछ मच्छी मुच्छी खाएंगे, एक मटन लिवर भी इनका स्पेशल, वो भी खाएंगे। वीडियो के एंड तक बन रहे ना, पूरा मीट पैराडाइज बनाएंगे यार। लेट्स स्टार्ट। गाइस ये कृष्णा, कैसे हो कृष्णा भैया? बढ़िया सर, फिर से आ गए, देखो आपके कहने पे। अच्छा ये बताओ ये क्या क्या है यहाँ पे? वैसे गाइस एक नॉलेज के लिए देख लो सर, ये वेज चॉप है। ये वेज चॉप है? हाँ। अच्छा ये फ्राई होगा ना सारा माल? जी बिल्कुल। और ये क्या है? ये भेटकी फ्राई। भेटकी फ्राई। ये प्रॉन, प्रॉन कटलेट। वाह। और ये है एग डेविल। एग डेविल। हाँ। और ये है चिकन कटलेट। चिकन कटलेट। और ये है मटन चॉप। अच्छा ये मटन चॉप यहाँ पड़ा? मटन कीमा चॉप। गाइस अगर आपको फ्राइड खाने का मन हो ना गुड़गांव के अंदर और साथ में बंगाली खाना खाना है तो ये कृष्णा भाई सामने हैं, ये कमाल करते हैं। क्या खिलाओगे कृष्णा भाई आज? सर आज का हमारा मेन कोर्स में मटन कोशा, ठीक है, और माछेर झोल। माछे झोल क्या होता है? माछे झोल सर रोहू फिश करी के बोलता है इधर बंगाली में, माछे झोल। चलो ये भी खिलाओ। और बताओ। और मटन लिवर वो भी खिलाओ। और प्रॉन करी। बहुत बहुत बढ़िया। चलो ये सब लगाओ साथ में, क्या लगाओ? चावल और रोटी? चावल और रोटी। चावल रोटी दोनों? जी सर। चलो ठीक है, थैंक्स सर। गाइस आपको मैं देखो दिखाता हूँ थोड़ा लुक एंड फील यहाँ का। ये क्या भैया? प्रॉन करी। प्रॉन करी जी। प्रॉन करी है, दिखाओ जरा निकाल के। गाइस लुक एट दिस प्रॉन करी मैन, हाउ ब्यूटीफुल इज इट। हाँ चलो और दिखाओ। और क्या है? ये क्या है? ये मटन कोशा। मटन कोशा दिखाओ जी। लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल। हाँ ये है मटन कोशा जी। कमाल लग रहा है। सारा भी ऊपर तेल है सरसों का? जी जी सरसों का तेल है सर। कमाल है जी, कमाल है। और दिखाओ जी क्या है भैया? ये क्या है? मटन लिवर सर। ये है मटन लिवर जी सर। कमाल लग रहा है जी। वाह जी वाह, गाइस लुक एट दिस यार। ओके मटन लिवर जी सर, कमाल हो गया जी। और दिखाओ और क्या? ये है सर बंगाली रोहू फिश माछे झोल। माछे झोल। हाँ माछे झोल। माछे झोल क्या बात है। ये हरी मिर्च अगर अच्छी स्पाइसी है क्या? जी, ये जी, स्पाइसी है सर। अच्छा ये आपका गाड़ी है पता है, अच्छा क्या लग रहा है। आलू भी डालता है सर स्पेशल। आलू भी डलता है इसमें जी सर। अच्छा भैया ये घर से बना के लाते हो, कैसे होता है? जी सर ये घर से बन के आता है सर। कौन मिसेज बना रही है आपकी? जिनसे मैं मिला था सर। क्या बात है, अच्छी बात है। गाइस मैंने के मिसेज से मिला था, वो सब ये तैयार करती हैं। हाउ ब्यूटीफुल यार। अभी एक बार फिर से टाइमिंग वगैरह बताओ अपने, क्या होता है? मैं भूल गया सर। हमारा टाइमिंग है शाम को 5 बजे से रात 11 बजे तक। डेली? डेली। मंगलवार को? मंगलवार भी खोलते। मंगलवार भी खोलते। चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर पैकिंग वगैरह कराना ना सामान, ऑल्दो इट्स अ कार्ड बट आई एम वेरी हैप्पी दैट दे यूजिंग ये छोटे छोटे प्लास्टिक के बोल्स वगैरह, प्लस यहाँ फॉइल भी पड़ा है तो हाइजीन का पूरा ध्यान रख रहे हैं। दैट्स वेरी स्वीट यार। अच्छा गाइस ऐसा है कि ये वीडियो मैं पहले शूट कर रहा हूँ, आप तो ऑब्वियसली उस दिन देख रहे हो जिस दिन ये अपलोड हुआ है, बट देन द फैक्ट रिमेंस कि मेरे इस टाइम तक आई गेस 20,000 हो गए होंगे सब्सक्राइबर्स या होने वाले होंगे। सो आई वॉन्टेड टू रियली रियली थैंक यू तहे दिल से, थैंक यू सो मच यार, सच अ स्वीट थिंग मैन। दूसरी बात, मैंने कुछ ब्लॉग पहले प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव सेशन करूंगा, लाइव चैट करूंगा, तो उसका मैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर आपको बता दूंगा। एक्चुअली पहले मैंने एक कम्युनिटी के अंदर एक फोटो डालूंगा, एक यूट्यूब के अंदर फोटो डालूंगा, उसमें ना आप लोग अगर लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे देन आई वुड काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि हाँ आप फ्री है लाइव चैट करने के लिए। अच्छी बात बता कि अभी अभी घर से बन के आया, यहाँ पे इनको गर्म करके देना होता है तो सर्विस विल बी क्विक, यू कैन एक्सपेक्ट गुड सर्विस। गाइस यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है मटन कोशा और यहाँ पे हो रहा है प्रॉन करी। भैया मटन कोशा ही है ना? जी सर। अच्छा ठीक है। वैसे आते हैं बंगाली भाई बहन अपने सारे खाने में? सर बहुत आते हैं सर हमारे पास। अच्छा इसीलिए तो आप कार्ड खोला है हमारा। चलो बहुत बढ़िया। गाइस प्लेटिंग हो रही है, ये है मटन कोशे की। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। हाउ ब्रिलियंट यार, लुक एट द कलर मैन। थोड़ा सा रेड कलर भी है, थोड़ा सा ब्राउन कलर भी है, हल्का सा लाल मांस का फ्लेवर दिख रहा है। अब बारी है प्रॉन की। गाइस लुक एट दैट, कितना खाना खाना पड़ता ना मुझको। I'm just kidding, it's always fun to have food. Brilliant, brilliant.
कितना अमेजिंग लग रहा है यार, लुक एट द प्रॉन पीस, आई लाइक दिस। अभी कौन सा साइज का प्रॉन है ये? जम्बो वाला। जम्बो वाला है ये? जी। क्या बात है यार, जम्बो है पक्का 200%। भैया रेट का क्या सीन है, सबके रेट बताओ मुझे प्लेट के। जी सर बताओ सर, बताओ 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 जल्दी सर। जो मटन लिवर है वो सर 200 का एक पोर्शन। मटन लिवर 200 रुपए का एक पोर्शन। जी सर। और अपना ये फिश? फिश है सर 132 पीस। 130 रुपीज का फिश। एक पीस आता है? दो पीस। दो पीस आता है फिश का 130 रुपए में। जी सर। और प्रॉन का रेट है? प्रॉन का सर 154 पीस। 4 पीस 150 का। जी सर। और क्या चौथी आइटम लिया? और मटन कौशा। मटन कौशा 304 पीस। जी सर। गाइस द प्राइसेस आर सो रीजनेबल इफ यू थिंक अबाउट इट यार। प्रॉन फॉर 150 रुपीज या 4 पीसेज एंड दे कॉलिंग वो जम्बो प्रॉन है, सच अ गुड थिंग यार। एंड आई लाइक मटन कोशा की शक्ल 300 रुपए का, थोड़ा हल्का सा ज्यादा है बाकियों के हिसाब से, बट फिर भी एक्सपेंसिव नहीं है 4 पीस 300 रुपए के हिसाब से। और क्या आइटम ली थी हमने? लिवर का कितना था? 200। मटन लिवर 200 रुपए का और फिश 130 रुपए की, सच गुड थिंग यार, प्राइसेस आर एक्सपेंसिव एट ऑल यार। गाइस ये मटन लिवर डाल दिया अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं ही कढ़ाई को हिला रहा हूं, वहाँ कृष्णा भाई बिजी हैं। जस्ट लुक एट दिस यार, हाउ वंडरफुल यार। गाइस ये मच्छी रखी है इन लोगों ने, कैन यू सी दी आलू, इसमें आलू दिख रहा है। और साथ में अगर आप ये देखो, ये है आपका ग्रीन चिली एंड फिश का पीस, ये 2 पीस है ना? जी सर। हाउ ब्रिलियंट यार, पता है फिश का साइज भी अच्छा खासा यार, दैट्स अ गुड थिंग यार। गाइज इन्होंने ना मटन लिवर डाला है, लुक एट द ब्यूटिफुल कलर यार, बिल्कुल डार्क मसालेदार ब्राउन नहीं होता वैसा कुछ कलर है। ये साथ है प्याज डाला है कृष्णा भाई ने और नींबू, कमाल लग रहा है एब्सोल्युटली। गाइज ये हमारी फिश की प्लेटिंग कर रहे हैं, लुक एट द क्वांटिटी यार, लुक एट द करी, लुक एट द पोटैटो, कितना किलर लग रहा है यार। ऑलराइट दैट्स सो ब्यूटिफुल यार। गाइज यहाँ पे आके ट्राई करो सेक्टर 56 हुडा मार्केट के अंदर गुड़गांव, इज ओनली बिकॉज आई टेल यू व्हाई। देखो अगर आपको ऑथेंटिक बंगाली खाना है, क्या होता है हम नॉर्मली ना नॉर्थ इंडियन खाते हैं, घर का खाते हैं, अगर थोड़ा डिफरेंट खाना है बंगाली खाना, और गुड़गांव में आपको पता है चक्कर कितने लगते हैं लोगों के, तो कभी भी यहाँ पे आओ, सेक्टर 56 के अंदर बना हुआ है हुडा मार्केट के अंदर, एक कार्ट है। दूसरी चीज़ अच्छी बात यह है कि यू कैन जस्ट पार्क योर कार, ये आपको गाड़ी में सर्व कर देंगे। आपको पता है विंटर का मौसम है, गर्मा गर्म आपको बंगाली खाना मिल जाए, वाह कमाल, इज़न्ट इट गुड मैन। चलो एनीवे ट्राई करते हैं खाना। ऑलराइट गाइस द फूड हियर एब्सोल्युटली स्टनिंग, कमाल लग रहा है, मुझे पानी आ रहा है देख के। क्या क्या बताऊँ आपको सर, जल्दी से दिखाता हूँ आपको, अंधेरा होने वाले से पहले, या लाइट का सिस्टम इतना कूल नहीं है। दिस इज मटन कोशा, अगर आप देखो दे गिवन टू पीसेज फॉर मी टू ट्राई। मैंने एक तरह मतलब हाफ प्लेट ऑर्डर करी है, वेरी ब्यूटीफुल, इसका जो कलर है थोड़ा सा लाल है, थोड़ा सा ब्राउन है, बहुत ही किलर लग रहा है। इसके बाद उन्होंने दिया ये मटन लिवर, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ओनली बिकॉज इसका ना अगर आप देखोगे कलर बहुत मसालेदार डार्क ब्राउन है, तो देखने में इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी थिक है। इसको रखते हैं साइड पे। अब आते हैं प्रॉन पे, जिसके लिए बहुत इंटरेस्टेड, आई लव प्रॉन्स इन माई लाइफ मैन, वेरी फैसिनेटिंग, लुक एट द कलर, इट्स प्योरली रेड, आई लाइक कि पूरा टेल के साथ है, कंसिस्टेंसी इज गुड, ग्रेवी पतली है, प्रॉन्स के पीसेज है, राइस का काफ़ी अच्छा जाएगा। और आते हैं फिर क्या बोला था, मुझे नाम याद नहीं है इसका, बट इसको आप फिश करी समझ लो, एक तरह की मच्छी गोड करी, क्या बोला था, बट एनीवे आई लव द चिली ऑन द टॉप, द पोटैटोज़ ऑन द साइड्स, खड़े मसाले इसके ऊपर आपको क्लियर दिख ही रहे होंगे, स्टनिंग एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस। ट्राई करते हैं सबको, साथ में मैंने रोटी और चावल लिया है, तो पहले हम ट्राई करेंगे, आई थिंक आई स्टार्ट विद द लिवर, मटन लिवर, फिश को साइड पर रखता हूँ, वेरी यू गो, ओके इसको ट्राई करते हैं, पहले ऐसी रोटी के साथ नहीं खाता, एक बाइट लेता हूँ। ये कुछ इसका ऐसा पीस है, अगर आपको दिखे, ये इसका कुछ पीस है ऐसा, ब्रिलियंट यार, एकदम कमाल लग रहा है देखने के अंदर, ये पूरा पीस लेता हूँ, मटन लिवर, 3, 2, 1, करो करो सब्सक्राइब करो जल्दी। खाली बाइटें कमाल कर दिया, वाह, रोटी के साथ खाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टर खाओगे ना कमाल कर देगा, फिर भी एक बाइट लेता हूँ रोटी की जल्दी से, एक स्वाद लेने के लिए। अमेजिंग फील, रोटी अपना ज़्यादा बेटर है, बट या ट्रेमेंडस यार, कमाल हो गया। आई लाइक द फ्लेवर्स, आई लाइक द बैलेंस, बहुत सरसों का फ्लेवर आ रहा है, द मसालाज आर राइट, जो इनकी मिसेस ने बनाया है ना, हाथ में जादू है भैया, कमाल कर दिया, मैं ऐसे नहीं तारीफ कर रहा। द मोमेंट यू टेक योर बाइट यू विल नो द फ्लेवर्स, दे आर ब्रिलियंट, एंड सेकेंडली रीजनेबल, थर्ड ट्राई करना फिर बताना मुझको। अब आते हैं हम अपने, क्या करें मटन कर लेते हैं, कोशा मच्छी और ए सी फूड बाद में खाएंगे, इसको मैं खाऊंगा राइस के साथ। मैं आकर मटन का पीस दिखाता हूँ एक बारी, जस्ट हैव अ लुक, अगर आपको दिखे, ये देखो जी, ये नली का पीस है,
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, कमाल लग रहा है देखने के अंदर इसको. जैसे कि मैंने कहा राइस का दिखाऊंगा बस बनता है. ओके लेट मी पुट अ लॉट ऑफ ग्रेवी ऑन द राइस. पहले ग्रेवी खाऊंगा राइस के साथ, उसके बाद पीस ट्राई करूंगा. हाथ से खाया जाए, हाथ से खाते हैं, मैंने बहुत दिन से नहीं खाया. ओके ऑलराइट लेट्स डू इट. कितना कूल लगता है हाथ से खाना, बंगाली खाना यार, हाथ से मजा खाने का. मटन कमाल है यार, मटन कमाल है. साथ में खाते हैं पीस. क्या वाह. दिल खुश हो गया, कमाल. मटन डिफरेंट है, जैसे हम रोगन जोश खाते हैं ना नॉर्थ इंडियंस, वैसा नहीं है. सरसों का पूरा फील आ रहा है. आई लाइक देयर आर मटन फॉलिंग ऑफ द बोन. फ्लेवर्स नेक्स्ट लेवल है. राइस का प्रॉपर जा रहा है. रोटी के साथ ज़्यादा मैं रेफर करूँगा इसके साथ खाना. मैं रोटी ट्राई भी इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज राइस सर अच्छा लग रहा है यार. यू नो मटन राइस का कॉम्बिनेशन कैसा होता है. एनीवे इसको साइड पर रखता हूँ, पेट भर जाएगा मेरा. इस तरह मटन साइड पर किया गाइस, अब आते हैं लेट्स कम ऑन टू द फिश. प्रॉन लास्ट में खाने भैया, झींगा मेरे लिए सिग्नेचर डिश है, इससे बेटर लगता है मुझे कुछ. प्रॉन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स इन लाइफ. ओके पहले मैं आपको एक फिश का पीस दिखा दूँ, कोशिश करूँगा गिरे ना. वो ये तो गिरेगा यार, एक सेकेंड होगा इस पास करके दिखाता हूँ आपको. जस्ट हैव अ लुक, ये पूरा पीस है. दो पीस इन्होंने दिए हैं, साथ में पोटैटो का पीस है. ऊपर आपको ये हरी मिर्च दिख ही रही होगी. एब्सोल्युटली किला. ट्राई करते हैं इसको. वैसे तो फिश को भी राइस कप खाया जाता है, बट मैं इसको चपाती से ट्राई कर लूँगा. बट बिफोर दैट मैं इसका एक ऐसी पीस लेता हूँ फिश का. आई वांट टू ट्राई द फिश. स्किन के साथ फिश है. मैंने ना कुछ व्लॉग पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, वैसे ऑथेंटिक जो होता है वो स्किन लगी होनी चाहिए व्हेन यू आर मेकिंग करीज. बट मेरे को ना स्किन का मजा आता है व्हेन यू पैन ग्रिल्ड फिश, वो करारी हो जाती है. बट एनीवे आई विल हैव इट यार विद स्किन आल्सो ऑब्वियसली. सॉरी मैन बोन्स. ओके फिश का सीन ऐसा है कि अगर मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो आई लव द कोशा एंड द लिवर मोर देन द फिश. ऑनेस्टली फिश इज़ डिसेंट फॉर मी, इट्स नाइस. बट उनके फ्लेवर बहुत ज़्यादा दिमाग को लगे. ये भी अच्छा है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी फ्लेवरसम. अगर मैंने वो दोनों ना खाए होते तो शायद मैं इसको खा के भी पागल हो जाता. बट येस इन कंपेरिजन टू बोथ ऑफ दैम आई एम गोइंग टू से इट्स गुड, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. बट हाँ यहाँ के पक्का इसको भी ट्राई करना. फर्स्टली दैट इट्स एन ऑथेंटिक बंगाली डिश अगर आपको ऑथेंटिक खाना खाना है. सेकेंडली द प्राइसेज आर रीजनेबल, और कुछ नहीं है. वाह अच्छा लग रहा है फिश खा के इसको एक रोट. अच्छा हाँ यार रोटी का खानी एक बाइट, देखिए क्या पता क्या फ्लेवर आता है. और ये आलू का पीस लूँगा बिकॉज आलू स्पेशली दिया यार पूरा पीस, नहीं ट्राई किया तो फ़ायदा क्या. थोड़ा सा आलू डाला गाइस, थोड़ी सी फिश डालता हूँ, थोड़ी सी मैं इस पर डालूँगा ये ग्रेवी. इसको भी ट्राई करते हैं. आलू के साथ और मज़ा आ रहा है. एक्चुअली ना थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है, हम नॉर्थ इंडियंस ना मटन में भी आलू डालते हैं, उसी तरह तरीके से ये कुछ डिफरेंट सा फ्लेवर दे रहा है आलू का. वेरी गुड यार, नॉट एज स्पाइसी एज आई थॉट. मुझे लगा बहुत स्पाइसी होगी बिकॉज आई कुड सी ग्रीन चिलीज, बट उतनी स्पाइसी नहीं है. सो यू कैन ट्राई इट, इवन चिल्ड्रन कैन ट्राई इट, नॉट अ प्रॉब्लम. अब आते हैं अपनी मेन डिश पे, द सिग्नेचर डिश. आई माय गॉड द प्रॉन करी. ओके अ लॉट ऑफ पीपल डोंट प्रेफर प्रॉन करी, कहीं होगा एलर्जी होती है, कहीं होगा टेस्ट नहीं अच्छा लगता, कहीं होगा, बट आई लव इट यार. एंड मतलब प्रॉन कमाल लगता है. आपको एक बार पीस दिखा दो अच्छा सा. ओके लुक एट दिस, एक्चुअली दो दो दिखाते हैं, एक क्या दिखाना है. जस्ट लुक एट देम, लुक एट द प्रॉन्स, जस्ट लुक एट द प्रॉन्स, आंट दी अमेजिंग. आई लाइक इट टेल के साथ है, दैट्स वेरी कूल यार. ओके पहले प्रॉन का पीस ऐसे ही लेता हूँ पूरा, ऐसे ही खाता हूँ. आई डोंट हैव इट रोटी चावल के साथ, पहले ऐसे ही खाना है. प्रॉन का मज़ा ही ऐसे है. पहले स्टार्ट सब्सक्राइब कर दो यार, प्रॉन खा रहा हूँ यार. दस में से नौ नंबर, एक नंबर पता कहाँ कटेगा. बट इनके शायद ऐसे होता हूँ, देखो ना प्रॉन्स ना 95% कुक्ड अच्छे हैं, चाहे मुँह में मेल्ट हो जाए. ये प्रॉपरली कुक्ड है तो प्रॉपर मीट कर लग रहा है, ये तो प्रॉन्स कहते हैं घुलते हैं. 10 में से 9.5 नंबर दे रहा हूँ, अच्छे हैं. बट वो आधा एक नंबर जो मैं काट रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए काट रहा हूँ, इज ओनली बिकॉज अगर हल्के से और लेस कुक्ड होते ना मुझे मज़ा आता है, वो ना प्रॉन मुँह में घुलता है. आई लव दैट टेल है, बॉडी है पूरी. बाय द वे इट्स नॉट जस्ट टेल, पूरी बॉडी साथ है. ये देखो ये अंदर से मैं मीट निकाल रहा हूँ इसके, ये अंदर से मैं मीट निकाल रहा हूँ. तो ये देखो ये बॉडी अलग से पूरी. सो इसका मतलब ये है कि फ्लेवर्स बड़े ऑथेंटिक हैं.
इसको रोटी के साथ भी खाऊंगा, राइस के साथ भी खाऊंगा, इज ओनली बिकॉज इसकी ग्रेवी ना थिन कंसिस्टेंसी है, रोटी के साथ भी जाएगी और उसके साथ भी जाएगी चावल के साथ. नाइस लाइट, इसको खाने के बाद पक्का हैवी फील नहीं करोगे. थोड़े चावल लेता हूँ, इसी में डाल देता हूँ. अगर आपको देखे, ये देखो जी, ये मैंने थोड़े चावल डाल दिए प्रॉपर तरीके से, एक पूरी बाइट बना दी है. ये देखो जी, प्रॉन की बॉडी पूरी एम्प्टी, इससे निकाल के मैं बॉडी साइड रख रहा हूँ. सो गाइस, ऑल इन ऑल अ वंडरफुल मील. कार्ट के नाम पे जो काम कर रहे हैं, दैट्स फैंटेबुलस. आई लाइक ऑल ऑफ देम. अगर मुझसे रैंकिंग पूछोगे तो फर्स्ट नंबर में मेरे लिए स्टैंड करता है मटन लिवर, सेकंड नंबर में मेरे प्रॉन है, थर्ड पे मेरे मटन कोश है, एंड फोर्थ पे फिश है. फोर्थ पे फिश होने का मतलब ये नहीं दैट इट्स नॉट गुड, ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट जस्ट दैट यू हैव टू हैव फेवरेट अमंगस्ट ऑल द डिशेज, यू कांट जस्ट हैव ऑल ऑफ देम एट द सेम प्लेस ना. हर किसी की एक फेवरेट डिश होती है लाइफ के अंदर. एनीवे गाइस, दिस इज इट. ये थोड़ा खाना वाना पैक कराता हूँ, ऑफिस जीता तो खा नहीं पाऊंगा, फिर आपसे मिलता हूँ. ऑलराइट गाइस, जस्ट हैड माय मील. व्हाट अ वंडरफुल मील यार, कमाल कर दिया. ऑथेंटिक बंगाली खाना एक कार्ट में मिल रहा है, बताओ, सेक्टर 56 के अंदर, गुड़गांव के अंदर. कभी मन हो आगे ट्राई करने का तो करना यार. हर बार आपको पता हम क्या खाते हैं, वही टिक्के टुके कबाब कुबूब नॉर्थ इंडियन वगैरह. ट्राई करो उनका खाना, डिसअपॉइंटेड नहीं आओगे, आई कैन वाउच फॉर इट. दिस इज इट फॉर द वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. सब्सक्राइब एंड शेयर, डू इट मैन, डू इट, डू द राइट थिंग. इसके अलावा फेसबुक पे शोएब अरोरा व्लॉग्स देखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए. इंस्टाग्राम पे अरोरा शोएब देखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए. दिस इज इट फॉर द वीडियो. आई विल सी यू वेरी सून. अंटिल देन टेक केयर, हैव फन.